वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने सुबह 9 बजे आज ऐप और पोर्टल की चर्चा करेंगे, क्योंकि जनवरी से लेकर अगस्त 2023 तक जितने भी राज्य सरकार केंद्र सरकार के द्वारा ऐप और पोर्टल लॉन्च किए गए, उनकी आज एक स्पेशल आपके लिए मैं ये क्लास लेकर आया हूँ। इसके अंदर अपने पढ़ेंगे सुस्वागतम पोर्टल, मासी पोर्टल लॉन्च किया गया, सहारा रिफंड पोर्टल और ई सर्च मोबाइल ऐप, राजमार्ग यात्रा ऐप और नंदी पोर्टल लॉन्च। तो ये इस तरह के जो पोर्टल लॉन्च हुए हैं, लगभग एग्जाम के अंदर कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से लगभग एक या दो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। और ये क्लास लगभग सभी एग्जाम के लिए आपके लिए रामबाण साबित होगी, यूपीएससी, आरएस, बैंक, रेलवे, सीएटी, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान सूचना सहायक आल एग्जाम, कोई भी रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, कहीं भी अपने सेंटर में राज्य के अंदर कोई भी एग्जाम हो, तो ऐप और पोर्टल से संबंधित आपको पता है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। तो आज सुबह अपने इस 9 बजे इस क्लास के अंदर ऐप और पोर्टल की चर्चा करेंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला देखो क्वेश्चन आपके सामने, हाल में न्याय के पहुंच को आधुनिकीकरण और सुगम बनाने के प्रयास में सुस्वागतम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ये ताजा मैंने आपको सब करवाए हैं, जो सुबह मेरी डेली आपको 6 बजे करंट की क्लास आती है ना, ये सारे के सारे मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवाए हैं। तो सुस्वागतम पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ये हमारे जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के 50वें जो मुख्य न्यायाधीश हैं, DY चंद्रचूड़। ठीक है, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जो 50वें मुख्य न्यायाधीश है, ध्यान रखना, DY चंद्रचूड़ ने न्याय के पहुंच को आधुनिकीकरण करने और उसको सरल बनाने के प्रयास के अंदर है सुस्वागतम पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है। दूसरा प्रश्न, किस केंद्रीय मंत्री ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ये सारे के सारे बढ़िया तरीके से मैं लेकर आया हूँ। कौन से ऐसे केंद्रीय मंत्री है जिन्होंने किया है बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा उन्होंने देने के लिए उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन का लॉन्च किया उन्होंने? तो ये किया है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। ठीक है, हमारे अपने जो केंद्र के अंदर शिक्षा मंत्री है ना, वो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। और उन्होंने इस शिक्षा को, साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। आयोग ने बाल देखभाल, ध्यान रखना, किस आयोग ने बाल देखभाल ग्रहों की निगरानी के लिए मासी पोर्टल लॉन्च किया है? ध्यान रखना, यहां पर लिख लेना, किस आयोग ने बाल देखभाल ग्रहों की निगरानी के लिए मासी पोर्टल लॉन्च किया? और ये आपको सभी को पता है किसने लॉन्च किया, ये है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने। किसने? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा बाल यानी कि छोटे छोटे बच्चों को उनकी निगरानी रखने के लिए मासी पोर्टल लॉन्च किया गया। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में दोस्त ऐप लॉन्च किया गया? किस केंद्र शासित प्रदेश के अंदर दोस्त ऐप लॉन्च किया गया? तो वो है जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर क्या है, दोस्त ऐप लॉन्च किया गया। इसका मतलब यह है भी मोबाइल के अंदर दोस्त ऐप होगा, वहां पर क्या हम किसी भी शिकायत को क्या सीधे उस ऐप के माध्यम से अपने कर सकते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर दोस्त ऐप लॉन्च किया गया। हाल में विदेशों में भारतीयों के समूह के निर्बाध स्थानांतरण के लिए सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? हाल ही में विदेशों के अंदर जो भारतीयों के समूह सब हैं उनको निर्बाध स्थानांतरण के लिए सरकार ने ई केयर पोर्टल लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर एक कौन सा लॉन्च किया है? ई केयर पोर्टल उन्होंने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा 3 जुलाई 2023 को कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? किसके द्वारा? दीनदयाल अंत्योदय योजना है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इनके द्वारा 3 जुलाई 2023 को ई सर्च मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर एक, ठीक है, ई सर्च मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया किसके द्वारा? दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा ये 3 जुलाई को ई सर्च मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। हाल ही में किसने मोबाइल ऐप राजमार्ग यात्रा लॉन्च किया है? हाल ही में किसने मोबाइल ऐप राजमार्ग यात्रा लॉन्च किया? और ये किया है NHAI। NHAI का मतलब होता है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने क्या है, मोबाइल ऐप राजमार्ग यात्रा लॉन्च किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल हाईवे लिमिटेड ने।
अगला क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने पशु चिकित्सा और टीकों के लिए एक नंदी पोर्टल लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने पशु चिकित्सा और टीकों के लिए नंदी पोर्टल लॉन्च किया? और ये आपको सभी को पता है, जब पशुओं की बात आती है तो ये किसने लॉन्च किया? ये किया है किसने? पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर ए, किसने? पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने पशु चिकित्सा और टीकों के लिए एक नंदी पोर्टल लॉन्च किया है। 27 जून को किस केंद्रीय मंत्री ने चैंपियंस 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? 27 जून को किस केंद्रीय मंत्री ने चैंपियन 2.0 पोर्टल लॉन्च किया? और ये किया है नारायण राणे ने। ऑप्शन नंबर बी, MSME, आपने नाम सुना होगा, सूक्ष्म लघु और उद्यम, ठीक है। MSME का दिवस मनाया जाता है 27 जून को, और इसके मंत्री हैं, ध्यान रखना, नारायण राणे, और इन्होंने 27 जून को चैंपियंस 2.0 पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है। हाल ही में किस कंपनी ने थ्रेडस ट्विटर किलर ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में किस कंपनी ने थ्रेडस ट्विटर किलर ऐप लॉन्च किया? और ये किया है मेटा कंपनी ने। ऑप्शन नंबर ए, किसने किया है? मेटा कंपनी ने थ्रेडस ट्विटर किलर ऐप लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने डेयरी उद्योग के अंदर क्रांति लाने के लिए दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया है? केंद्र सरकार ने डेयरी उद्योग के अंदर क्या है क्रांति लाने के लिए दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया? और ये इन्होंने किया है उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। अगर आपने पूछे दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो वो है अपना देश भारत, याद रखना, अपना देश भारत है। अगर भारत के अंदर आपसे पूछे भी सबसे टॉप पर कौन राज्य है, तो वो है राजस्थान, ठीक है, ध्यान रखना। भारत में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन होता है देश के अंदर, और भारत के अंदर पूछे तो राजस्थान का देश के अंदर सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, तो ये चीजें याद रखा करो। और ये दुग्ध संकलन साथी जो मोबाइल ऐप है, ये उत्तराखंड के अंदर लॉन्च किया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने सारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है? और ये तो बहुत ही चर्चा में रहा है, आपको पता है पिछले दिनों में बहुत ही चर्चा में रहा, तो सारा रिफंड पोर्टल ये लॉन्च किया हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने, ठीक है। किसने लॉन्च किया है? हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया, यानी कि जो जितने भी जो श्रमिक हैं, बेरोजगार है, उनको क्या है रिफंड, यानी कि उनको पैसे वापस उनको दिलाए जाते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने एंड्रॉइड आधारित मोबाइल ऐप रिपोर्ट फिश डिजीज लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने एक एंड्रॉइड आधारित मोबाइल ऐप है, कौन सा वो है, रिपोर्ट फिश डिजीज, ठीक है। और ये किसने लॉन्च किया? ये किया है पुरुषोत्तम रूपाला ने। ऑप्शन नंबर एक, किसने किया है? पुरुषोत्तम रूपाला, ये मत्स्य पालन मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला, और उन्होंने एंड्रॉइड आधारित मोबाइल ऐप है रिपोर्ट फिश डिजीज उन्होंने लॉन्च किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया? और ये किया है असम के मुख्यमंत्री ने। असम के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? हिम्मत बिस्वा शर्मा है, और उन्होंने वृक्षों की देखभाल करने के लिए अमृत वृक्ष आंदोलन इन्होंने ऐप लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शहर में संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया? केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, और इन्होंने किस शहर के अंदर संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया? और ये इन्होंने किया है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर किया है? नई दिल्ली के अंदर उन्होंने संचार साथी मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। इसके अंदर क्या है, नागरिक को अंदर आपको मोबाइल फोन कहीं पर मतलब खोए हुए मोबाइल को उसको ढूंढने के लिए क्या है ये संचार साथी, ये क्या उसको मदद करेगा, उसको मोबाइल फोन अगर गुम जाए किसी का, तो इसलिए क्या संचार साथी ऐप लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? अश्विनी वैष्णव के द्वारा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने युवा पोर्टल का शुभारंभ किस शहर में किया? युवा पोर्टल, ठीक है, युवाओं से संबंधित है युवा पोर्टल, और ये लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली के अंदर। कहां पर लॉन्च किया है? नई दिल्ली के अंदर युवा पोर्टल का शुभारंभ किया है। राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा किस पोर्टल पर ऐतिहासिक दस्तावेजों के 1 करोड़ से अधिक पन्नों को अपलोड किया गया? राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा किस पोर्टल पर ऐतिहासिक दस्तावेजों के 1 करोड़ से अधिक पन्नों को अपलोड किया गया? वो है अभिलेख पोर्टल, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी पोर्टल की शुरुआत हुई थी 11 मार्च 2015 को, याद रखना, ठीक है, 11 मार्च 2015 को इस पोर्टल की शुरुआत हुई, लेकिन अब इस पर क्या है 1 करोड़ से अधिक पन्नों को अपलोड किया गया, और वो है अभिलेख है पोर्टल। किसने कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किया है? किसने कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किया? और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा
कॉल बिफोर यू डिग ऐप है लॉन्च किया गया है। ये मतलब ये क्या है, जो ऑप्टिकल फाइबर होती है ना नेटवर्क से संबंधित है, उसको नुकसान पहुंचाने से संबंधित इसको ऐप लॉन्च किया गया है, उसकी क्या है वो सुरक्षा प्रदान है करेगा। तो कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किसने किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अमित शाह ने किस शहर में वैदिक हेरिटेज पोर्टल का उद्घाटन किया है, अमित शाह कौन है तो ये अपने पता है केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह। इन्होंने किस शहर के अंदर वैदिक हेरिटेज पोर्टल का उद्घाटन किया तो ये इन्होंने किया है नई दिल्ली के अंदर, ठीक है, कहां पर किया है नई दिल्ली के अंदर उद्घाटन किया। किस केंद्रीय मंत्री ने मेरी लाइफ ऐप लॉन्च किया है, किस केंद्रीय मंत्री ने मेरी लाइफ ऐप, नाम देखो इसका मेरी लाइफ ऐप, और ये लॉन्च किया है ध्यान रखना भूपेंद्र यादव ने। कौन अपने भूपेंद्र यादव, ये हैं पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, और इन्होंने मेरी लाइफ ऐप लॉन्च किया है। और 5 जून को अपने पता है विश्व पर्यावरण दिवस भी 5 जून को बनाते हैं। किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है, किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप लॉन्च किया, और ये किया है सिटी यूनियन बैंक ने, ठीक है, सिटी यूनियन बैंक ने। वॉइस का मतलब है बोलने वाला बायोमेट्रिक, यानी कि उन्होंने क्या ग्राहकों को बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉगिन करते समय आवाज आधारित उसको पकड़ना है, तो इसलिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप लॉन्च किसने किया, सिटी यूनियन बैंक ने। भारत में पासपोर्ट संबंधी सेवाओं के लिए पंजीकरण आवेदन एवं भुगतान आदि करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप है, और ये सीधा का सीधा टपका था LDC हाई कोर्ट के एग्जाम के अंदर है, और वो है एम पासपोर्ट सेवा, ठीक है, कौन सा है एम पासपोर्ट है सेवा। केंद्र सरकार ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने हेतु कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, केंद्र सरकार ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने उस पर रोक लगाने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया, और वो है खनन प्रहरी, ठीक है, कौन सा है खनन प्रहरी ऐप इन्होंने लॉन्च किया है। कब किया था ये किया था इन्होंने 13 फरवरी को, ठीक है, याद रखना 13 फरवरी को खनन प्रहरी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। किस केंद्रीय मंत्री ने सागर सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, किस केंद्रीय मंत्री ने सागर सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया, और ये किया है हमारे जो पोर्ट शिपिंग और जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल ने सागर सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इसमें क्या है जो राष्ट्रीय रसायन विनिर्माण पोर्टल में लगातार सागर सेतु मोबाइल से संबंधित उन्होंने क्या है ऐप लॉन्च किया, ये क्या है जो जहाज चलते हैं ना पानी के अंदर उससे संबंधित ये ऐप लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आयु ऐप लॉन्च किया है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आयु ऐप लॉन्च किया, और ये किया है कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने, ठीक है। अब वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं कौन है सिद्धार्थ मैया, ठीक है, कौन है सिद्धार्थ मैया वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री है, लेकिन पहले कौन थे बसवराज बुम्बई, ठीक है, उसके समय कर्नाटक जब वो मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने क्या है आयु ऐप लॉन्च किया, और वर्तमान में सिद्धार्थ मैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। किस राज्य की सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है, किस राज्य की सरकार ने फैमिली आईडी यानी कि फैमिली की आईडी पोर्टल लॉन्च किया, और ये किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, किसने किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। किसने क्रिकेट फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप क्रिक पे लॉन्च किया है, किसने क्रिकेट फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप है के क्रिक पे, और ये लॉन्च किया है असनीर ग्रोवर ने, ऑप्शन नंबर ए किसने लॉन्च किया है असनीर ग्रोवर है, इन्होंने ये क्रिकेट फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप है जिसका नाम है क्रिक पे, और ये लॉन्च किया है असनीर ग्रोवर ने। पीयूष गोयल स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल किस शहर में लॉन्च किया है, पीयूष गोयल ने, पीयूष गोयल कौन है तो ये आपको सभी को पता अपने वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, और इन्होंने स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल किस शहर में लॉन्च किया तो ये इन्होंने किया है नई दिल्ली के अंदर, कहां पर किया है नई दिल्ली के अंदर इन्होंने लॉन्च किया है। भारत सरकार ने कौन सा स्मार्टफोन ऐप लॉन्च किया है, तो भारत सरकार के द्वारा एक स्मार्टफोन ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है साइन लर्न, ऑप्शन नंबर ए क्या नाम है साइन लर्न है, ये क्या होगा इसके अंदर ये लगभग 10,000 शब्दों का एक शब्द कोश है, और ये सांकेतिक भाषा से संबंधित ये 10,000 शब्दों का एक शब्दकोश है जो भारतीय सांकेतिक भाषा के अंदर ये लगाएगा। तो इसमें स्मार्टफोन ऐप कौन सा लॉन्च किया गया तो ये साइन लर्न है लॉन्च किया गया है। महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप किसने लॉन्च किया, महात्मा गांधी
नरेगा के लिए लोकपाल ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये किया है गिरिराज सिंह ने। ठीक है, ये अपने केंद्रीय ग्रामीण और विकास पंचायती राज मंत्री हैं गिरिराज सिंह, और इन्होंने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप है लॉन्च किया है। तो ये लगभग है लोग ऐप मैंने करवा दिए, पोर्टल और ऐप है। ये छोटी सी क्लास मैंने थी बढ़िया तरीके से, इतने जो बढ़िया तरीके से एग्जाम के पॉइंट ऑफ क्वेश्चन से लगभग मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवा दी। आगे एग्जाम के अंदर आपको यहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। और लगभग जनवरी से लेकर जितने भी अगस्त तक जितने भी ऐप पोर्टल थे, एक छोटी सी क्लास के माध्यम से मैंने आपको करवा दिए हैं। तो निरंतर बस आप पढ़ते रहिए। आज अपने 4 बजे अपने वही सीरीज अपने राजस्थान पुलिस को, राजस्थान और इंडिया जीके की अपने 26 नंबर या 27 नंबर सीरीज की अपने बात करेंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।